एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि 20 पॉइंट्स हैं एक सर्कल के ऊपर, एक सर्कल मान लीजिए ये रहा, इसके ऊपर 20 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 20 पॉइंट्स हैं। तो इसमें बोला गया है जो टोटल सर्कल्स हैं वो कितने हैं, 380 हैं, और जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं वो कितने हैं, 1140 हैं। इन सारे पॉइंट्स को मिला के बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स चाहिए मुझे, 2। मतलब 20 में से मैं 2 पॉइंट्स का जितने ग्रुप बना सकता हूँ उतने स्ट्रेट लाइंस होंगे। 2 ग्रुप कितने होंगे, 20C2, मतलब 20 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 18 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि एनसीआर का फॉर्मूला होता है बच्चों, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। उसके बाद क्या हो जाएगा, 20 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 18 फैक्टोरियल। ये और ये कैंसिल हो गए, 20 इंटू 19 इज 380 अपॉन 2 इज 190। राइट, इतना समझ में आ गया। अब ये तो क्लियर है कि 190 करेक्ट आंसर है, तो ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। तो सेकंड वाले स्टेटमेंट की बात करते हैं अब, कि ट्राइंगल के लिए मुझे कितने पॉइंट चाहिए एट अ टाइम, आई नीड 3 पॉइंट्स। इसका मतलब इसमें 3 पॉइंट कितने तरीके से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, उसके लिए 20 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 17 फैक्टोरियल। अब क्या होगा, 20 फैक्टोरियल को क्या लिखा जा सकता है, 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 फैक्टोरियल। अपॉन 3 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 17 फैक्टोरियल। ये और ये कैंसिल हो गए। अब क्या बचा, 3 इंटू 2 क्या होगा, 6 3 18। राइट, तो ये होगा 60 इंटू 19, विच इज 1140। एंड मेरे ख्याल से सेकेंड वाला सही स्टेटमेंट है, और अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन को देखा जाए तो बी ऑप्शन इज द ओनली ऑप्शन विच इज करेक्ट, हेंस बी ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।